और स्किपर देवन पहली बॉल फेस करने को रेडी। बॉलिंग पे आ गया है स्किपर शाश्वत, स्किपर नहीं क्या वाइस कैप्टन शाश्वत। शाश्वत हाँ, शाश्वत की पहली बॉल काफी फुल और देवन ने मारने की कोशिश की पर नॉट आउट। फोन दे दे। ओ एज टॉप एज है कैच ले सकते नहीं लेकिन धूल भरी आंधी अचानक से और कैच मिस होता हुआ। आपकी गाड़ी में नहीं जाऊंगा, पैदल चला जाऊंगा। शॉट देवन ने कनेक्ट किया इस बार और 4 रन 6 रन छक्का मार दिया। बाइक राइड नहीं है किसी के पास। अरे आपके पास ही तो है शॉट। छह रन चार रन लेग में लाइन लेंथ सही नहीं शॉट और लेग साइड 4 रन। रहमान की अगली गेंद फुल बॉल इस बार, पिछला शॉट किया था कवर्स के ऊपर से मार दिया 4 रन हो सकता है इनफील्ड के ऊपर से और ये 4 नहीं हुई। आउटफील्ड यहां पे काफी स्लो, आउटफील्ड स्लो हो गई है जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है। फुल टॉस और 4 रन अग्रेसिव मूड में है कट्टर। देवन ने उठा लिया है सीधी आई बैट पे हाफ वाली 4 रन चौका। 2:33 को स्टार्ट हुआ था ना भैया? नहीं थोड़ा पहले हुआ था। 2:23 पे हुआ है, मैंने 33 लिख दिया। देवन ने इस बार ओपन किया है और अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं। फुल बॉल उठा दिया है कैच हो सकता है, धीरू पीछे जाते हुए मिस हो गया। ऋषि एक छक्का एक चौका खा चुके हैं पिछले दो गेंदों में और इस बार भी शॉर्ट बॉल कवर्स के ऊपर से उछाल दिया 4 रन। देवन खतरनाक फॉर्म में है आज। चार रन खतर का एक और चौका, खतरनाक चौका भाई खतर। चार रन खूबसूरत शॉट। धीरे धीरे अपने लाइन लेंथ पे कंट्रोल लाते हुए कैच उठाया है फील्डर जाते दौड़ते हुए लेकिन 1 बाउंस एंड 4 गुड शॉट बाय पुनीत। चौके हैं इसके गरीब के, एक भी नहीं है। नो यार। अच्छा नो, अगर नो फोर ओ शॉट सीधे शॉट। पुनीत भी मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अरे ले लो। देवन ने 6 मार के अपनी 50 पूरी की। 6 मार के 50 इस ऑटम लीग की पहली 50 देवन की। बेहतरीन पारी, ये काफी बेहतरीन साथ शुरू से ही आक्रामक दिख रहे थे देवन। ए 11 स्कूल के सारे करा गया स्पोर्ट्स है। हिरन की अगली बॉल फुल बॉल है 4 रन हो सकता है मिस फील्ड हुई 4 रन। बहुत अच्छे कोई बात नहीं रे भाई। अच्छा लगता है शिवा की बॉल। फुल गेंद पुनीत ने उठा दिया है आउट हो सकते हैं। अच्छा लगता है और छोड़ दिया कैच शाश्वत ने। नाना पटकते हैं दिख रहे हैं देवन को। लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर और ये शॉट आयुष के पास फील्डिंग और हाउस हेड के खिलाड़ी ने बेहतरीन बेहतरीन एफर्ट डाला है आयुष की। निश्चित तौर से इन्होंने 2 रन एक 3 रन बचाए हैं। अब बैटिंग पे जो सेट बैट्समैन है पुनीत पिछला ओवर काफी अच्छा डाला था विवेक ने, थोड़ा रनों की गति पर अंकुश लगाया था लेकिन ये 4 रन। निखिल आपको क्या लगता है यहाँ से कितना स्कोर चेजेबल होगा इस पिच पर?
चार, एक और चार पाई पुनीत रन 50 पूरे पुनीत के, पुनीत 50 कंप्लीट। किसका? देवेन का, पुनीत का। ये इसी बीच पुनीत का अर्धशतक पूरा हुआ। काफी बेहतरीन साझेदारी की थी इन्होंने देवेन के साथ। और ये कैच हो सकता है, छूटेगा और छूट गया, सिर पे लग गई। ऋषि महाराज इसको बेटा कवर में डाल दें। फुल बॉल आयुष की और बॉल आ रही है पर लेकिन 6 रन। ओ शॉट, एक और सिक्स। ये बल्लेबाज कौन है यार? बता आखिरी ओवर रहमान टू सलीम। ओ अरे सलीम ने उठा दिया है, कैच हो सकता है और ये ड्रॉप। कैच तो पकड़ते ही नहीं। 4-5 कैच छूट चुकी हैं इस मैच में। ज्यादा ही हो क्योंकि फिनिक्स हल्की टीम नहीं है। इस टूर्नामेंट का नाम क्या है? और 6 सलीम ने सीधा उठा दिया है। 6 रन। फिर हमने काफी सारे ड्रॉप कैचेस देखा है और ये बहुत अच्छे 6 रन के लिए बॉल को उछाल दिया है। राकेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और पहली गेंद में हवा में खेल दिया है शॉट और एक और ड्रॉप कैच। इस मैच के अंदर कप्तान सलीम अपना स्पेल कंटिन्यू करते हुए और बेहतरीन विकेट आयुष को बोल्ड कर दिया है सीधा स्टंप्स के। तो निश्चित तौर पर 4 रन बटोर सकते थे अपनी टीम के लिए। और ये बेहतरीन कैच स्पोर्ट्स रेड के खिलाड़ी द्वारा हैं गेंदबाजी करने के लिए। और ये बेहतरीन शॉट। भावना के साथ खेल को खेलें। बहुत ही शानदार शॉट और ये 6 रन के लिए अंपायर लेते हुए स्क्रीन स्टोर की तरफ से और बहुत बढ़िया बॉल और ये उठा दिया है बैट्समैन ने और सीधा हाथों में गेंद थमा पड़े आगे है और इसी के साथ 4 रन के लिए शॉट मार दिया है बैट्समैन ने। जी आप देखिए क्या होता है फील्डिंग और ये मिसफील्ड का और ये 4 रन। मैं कह रहा था काफी खुश होंगे कि उनकी मुंबई इंडियंस टीम जो कि उनके ऊपर बहुत निर्भर करती है वो उनके बिना चैंपियंस लीग T20 जीतने में सफल हुई। बॉलर जय बॉलिंग करते हुए और ये बहुत गेंद डालते हुए पहली गेंद पर 4 रन दे चुके हैं और सीधा हाथों में कैच और छोटे से छोटे बॉलर भी बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट कर जाते हैं। और ये पहला बहुत अच्छा हुक शॉट कहेंगे आप टूर्नामेंट का। शिवा ओ बहुत प्यार और इन द एयर एंड टेकन। सुरेश अगली गेंद डालते हुए और बेहतरीन ये जो इससे पहले वाली जो बॉल राकेश ने की उस पर जो इतनी शानदार तरीके से जो बाउंड्री लगी अब अगली बॉल पे भी शायद मेरे ख्याल से बाउंड्री हो सकी और ये बाउंड्री हो गई है। जय बॉल के पीछे भाग रहे हैं विजय की तरह करने की कोशिश की जा रही है विपक्षी टीम पर। नितिन जी देखिए वापस फिर जय ने ढीली बॉल डाली और ढीली बॉल का प्रदर्शन बैट्समैन ने बहुत ही गहरी चोट डरते हैं। Yes! Yes! Shot! Woo!
लगातार छक्के लगाए हैं धीरू ने और फील्डिंग के बाद देखिए अभी बहुत ही दमदार बैटिंग खिल खिल और कीपर ने शायद आपकी बात सुन ली और बेहतरीन रन आउट इसी बीच स्पोर्ट्स रेड ने एक बेहतरीन जीत हासिल की है। सुबह भी जीते थे ना स्पोर्ट्स रेड, आज के दिन दो मैचों में काफी बेहतरीन तरीके से जीते हैं और क्वार्टर फाइनल में एंट्री करने वाले आप पहली टीम बन गए हैं। तो गेम है, सब अच्छा खेल रहे हैं, सब परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस देखिए तो हर एक मैच में कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा है, तो अच्छा टीम एफर्ट। और आज आप अपनी गेंदबाजी के बारे में क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, आप खराब गेंदबाजी की बात कर